नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची। यहां सीएम ने सिवनी के करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और पीएम आवास योजना के कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिवनी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ जिले के खरगापुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1768 करोड़ की लागत से पूरी हुई बांध सुजारा बांध नहर परियोजना का लोकार्पण किया। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीकमगढ़ में 201 गांव में नल लगाए जाएंगे और 2022 तक सभी गरीबों के पक्के मकान बनवाए जाएंगे। इस सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मौजूद थे। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग को चैलेंज किया है और कहा कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं वो साबित भी करें। कमलनाथ ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अब तक केवल 24 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए हैं, लेकिन प्रदेश में 60 लाख फर्जी मतदाता है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट भ्रमित कर रहा है। वहीं गुरुवार को केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 2.5 रुपए की कटौती करने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये चुनावी स्टंट है। मध्य प्रदेश के सिनेमाघरों में शुक्रवार से फिल्मों का प्रदर्शन नहीं हुआ। नगरीय निकायों द्वारा लगाए गए मनोरंजन कर के विरोध में सेंट्रल सिने सर्किट एसोसिएशन और सिनेमा एसोसिएशन ने सिनेमाघरों की प्रदेशव्यापी हड़ताल की, जिसके चलते प्रदेश के किसी भी सिनेमाघर में फिल्मों का प्रदर्शन नहीं हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के झाबुआ दौरे से एन वक्त पहले ही पार्टी की जिला इकाई में भूचाल सा गया। जिलाध्यक्ष मनोहर सेठिया के इस्तीफे के बाद उनके समर्थन में जिले के करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ओम प्रकाश शर्मा को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पढ़ाई के लक्ष्य को पाने के लिए राजधानी भोपाल में विभाग द्वारा नई पहल की गई, जिसको लेकर राज्यपाल के निर्देश पर 9 अक्टूबर को पढ़े भोपाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके तहत छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर किताब पढ़ेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चों को किताबों के प्रति जागरूक किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि स्कूल कॉलेजों में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस दौरान छात्र संघ चुनाव को भी निरस्त कर दिया गया है, साथ ही पोस्टर बैनर पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं रजिस्ट्रार को राजनीतिक गतिविधियों को मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कैंपस की सियासत पर भी ब्रेक लग गया है। एमपी में छात्र संघ के चुनाव इस साल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर छात्र संघ चुनाव टाल दिए गए हैं। इस साल 1300 से ज्यादा कॉलेजों में और 6 विश्वविद्यालयों में चुनाव होने थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए अब देखते रहिए। नमस्कार।